दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल ट्रेड पे। मैं सुनील कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग मैकेनिकल क्लास में देख रहे थे फास्टनिंग बंधन, जिसमें हम लोग देख रहे थे वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग के प्रकार कितने तरह के वेल्डिंग होते हैं और उसका किस क्या क्या उपयोग है उसके बारे में जान रहे थे। तो उसी में हम लोग आज मैकेनिकल का क्लास है, चौथा क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग के जो पार्ट है वेल्डिंग, उसमें देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या क्या आता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जॉब और इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क स्थापित किया जाता है और फिलर मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसा आप चित्र में दिखा दिए हैं कि एक फिलर मटेरियल है, ठीक है। इसमें डीसी सप्लाई से, ये मेटल है, इसमें डीसी सप्लाई पॉजिटिव से 70% इसमें हीट दे रहे हैं और ये होल्डर है जिसके सहायता से इलेक्ट्रोड को के मध्य आर्क स्थापित कर रहे हैं, चिंगारी। इसमें जो टेम्परेचर होता है 3500 से 4000 के बीच होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है हीट दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड और जॉब के मध्य गैपिंग अधिक होता है, अधिकतम 3 mm होता है। ध्यान देंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग की जो गैपिंग होता है अधिकतम 3 mm तक हो सकता है। नोट में बता दिए हैं कुछ पॉइंट। कार्बन आर्क वेल्डिंग केवल डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड का नेगेटिव सप्लाई से जोड़ा जाता है। जो इसमें इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड, उसमें नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है और जो नन ये इलेक्ट्रोड जो होता है नन कंज्यूमेबल होता है, ज्यादा खपत नहीं होता है। इस तरह से कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट है, इसी में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का दूसरा जो है बी में मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें आपको दिखाए हैं कि मेटल है, इसमें जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो फ्लक्स कोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, खपत योग, ये खपत ज्यादा होता है। इसमें एसी या डीसी सप्लाई दिया जाता है। किसमें? मेटल आर्क वेल्डिंग में। इसमें दोनों सप्लाई से काम चला सकते हैं। इसका पॉइंट है जॉब और इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क स्थापित किया जाता है। जॉब और इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क स्थापित किया जाता है, चिंगारी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सप्लाई एसी या डीसी ले सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रोड उसी धातु का लेते हैं जिस धातु का जॉब होता है। मेटल आर्क वेल्डिंग में यही खासियत है कि जिस धातु का जॉब रहता है उसी धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसका आर्क वेल्डिंग, नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम लोग लेते हैं एसी में 80 से 100 वोल्ट के बीच वोल्टेज लेते हैं और डीसी में 0 से 60 वोल्ट के बीच डीसी सप्लाई लेते हैं। यह है मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टिग आर्क इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इसमें टंगस्टन, टिग का कहेंगे टंगस्टन आर्क इनर्ट गैस, टिग इसी को कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इसमें जो टिग में है कि ज्यादा खपत ना हो ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जाता है, जिसमें एसी या डीसी सप्लाई दिया जाता है। इसमें भी टिग आर्क इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में एसी या डीसी सप्लाई दिया जाता है। अगला पॉइंट, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के चारों ओर से इनर्ट गैस फ्लो किया जाता है। ध्यान देंगे, इस टिग वेल्डिंग में जो गैस
फ्लो होता है वो इनर्ट गैस होता है, किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है टंगस्टन इलेक्ट्रोड के चारों ओर ठंडा पानी कोल्ड वाटर कब फ्लो करते हैं, इनर्ट गैस और ठंडा पानी का इसमें प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम आगे दिखा दिए हैं, एक आपका फिगर दिखाया है जिसमें एक मटेरियल है, जॉब है, फिलर रड है, ये टॉर्च है, जिस जो इनर्ट गैस आर्गनोहीलियम है, आर्गनोहीलियम होता है सिलेंडर में इनर्ट गैस, उसको और वाटर को दोनों को असेंबल किया गया है टॉर्च के माध्यम से, जब फिलर रड को तब जाके टिन वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड का नेचर जो इसमें होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, ना खपत योग, नॉन कंज्यूमेबल मतलब ना खपत योग कहते हैं। इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल होता है टंगस्टन का होता है, टिन वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का मटेरियल कैसा होता है, टंगस्टन का होता है। एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टिन वेल्डिंग में इनर्ट गैस होता है कौन, हीलियम आर्गन दोनों कोई नहीं, अभी देख रहे हैं कि टिन वेल्डिंग का ये उदाहरण है, सिलेंडर में आर्गन और हीलियम है, इनर्ट गैस जो है आर्गन और हीलियम है। नोट में हम दिखाएं कि टिन आर्ग वेल्डिंग में फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे टिन आर्ग जो वेल्डिंग है इसमें फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग देख लेते हैं। टिन वेल्डिंग का उपयोग ऑफ टिन वेल्डिंग आज सामान्य धातु डिसिमिलर ना मिलने वाला डिसिमिलर असामान्य धातु को जोड़ने में टिन वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, हार्ड मेटल को जोड़ने में टिन वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, और मेडिकल कंटेनर को वेल्ड करने में करने के लिए टिन वेल्डिंग का यूज किया जाता है। इस तरह मेडिकल कंटेनर मतलब मेडिकल का जो सामान होता है पार्ट वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उस जोड़ने में। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं मीग मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग यह टिन वेल्डिंग के भांति ही कार्य करता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं टिन वेल्डिंग इसके भांति ही कार्य करता है, बस इसमें एक अंतर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है कंज्यूमेबल होता है, खपत योग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन खपत होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन खपत नहीं होता है टिन वेल्डिंग में, लेकिन मीग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है खपत होता है, खपत होता है, यही है मीग मेटल इनर्ट गैस। जैसे आपको हम दिखा दिए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है सप्लाई दे रहा है, इधर ठंडा पानी है, इधर इनर्ट गैस है, ये जॉब है वेल्ड हो रहा है, बाकी सब मीग वेल्डिंग में यही होता है, सिलेंडर है तो वाटर वही सब कुछ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें खपत होता है इसमें नहीं खपत होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं उष्मा उत्पन्न करने के तरीके, उष्मा उत्पन्न करने के तरीके क्या क्या है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक जूल सिद्धांत से, जूल सिद्धांत से हम लोग पहले भी देख लिए हैं, जूल सिद्धांत से आई स्क्वायर आर टी जूल से उष्मा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है फ्रिक्शन, घर्षण से उष्मा उत्पन्न किया जाता है। तीसरा मटेरियल को कंबंशन दहन करके उष्मा उत्पन्न किया जाता है, मटेरियल को दहन करके भी उष्मा उत्पन्न किया जाता है। तीसरा है चौथा एटॉमिक स्ट्रक्चर को तोड़कर और पुनः जोड़कर, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है H2 इसको HH में तोड़ दिए पुनः जोड़ दिए, इस तरह तोड़ और जोड़कर एटॉमिक स्ट्रक्चर को उष्मा उत्पन्न किया जाता है। पांचवा है एटॉमिक रिएक्शन, एटॉमिक को रिएक्शन करके उष्मा उत्पन्न किया जाता है।
छठा है प्लाज्मा से भी ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। ये ऊष्मा उत्पन्न करने के तरीके, इसमें हम लोग आगे देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं बिल्डिंग का, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग, इसमें दिखा दिए कि सप्लाई है जो दो इलेक्ट्रोड को, दो इलेक्ट्रोड है इसमें टंगस्टन का, उसमें सप्लाई फ्लो कर रहा है और H2 गैस इसमें जा रहा है और एक फिलर मटेरियल है, ये एक फिलर मटेरियल है, दो इलेक्ट्रोड इधर से इधर, ये जॉब को जोड़ रहा है, बिल्ड कर रहा है। समझ गए होंगे इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फिलर मटेरियल एक अलग है, एक पाइप अलग है, मेटल अलग है, इसमें सप्लाई दिया जाता है इलेक्ट्रोड में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि किस वेल्डिंग में दो से अधिक इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, किस वेल्डिंग में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, तो किस में, टिग में नहीं, मिग में नहीं, सेम में नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग में। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग का ये उदाहरण है, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क बिल्डिंग में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं। गैस का आयनीकरण अति उच्च ताप पर करके फिर उसे ठंडा करने पर गैस प्लाज्मा में बदल जाता है और इस द्रव्यमान धारा उत्पन्न होती है। प्लाज्मा का क्या काम है, गैस का आयनीकरण अति उच्च ताप पर करके, हाई टेम्परेचर पर करके फिर उसे ठंडा करने पर जो गैस होता है प्लाज्मा में बदल जाता है और इस द्रव्यमान धारा उत्पन्न करता है। कौन, प्लाज्मा, प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग, प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग टिग वेल्डिंग का ही विकसित रूप प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग है। टिग वेल्डिंग अभी हम लोग देखे थे, उसी का ये विकसित रूप प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग है। इसमें इनर्ट गैस को उच्च ताप पर, इनर्ट गैस को हाई टेम्परेचर उच्च ताप पर गर्म करके आयनीकृत किया जाता है और पुनः उसे ठंडा कर किया जाता है, जिससे इनर्ट गैस प्लाज्मा में बदल जाता है। समझ गए हमें, और इस द्रव्यमान करण का उत्पत्ति होता है जब इनर्ट गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके आयनीकृत किया जाता है और पुनः उसे ठंडा किया जाता है, जिससे इनर्ट गैस प्लाज्मा में बदल जाता है और इस द्रव्यमान करंट उत्पन्न होता है। अतः प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग में एक सप्लाई का करंट रहता है और दूसरा प्लाज्मा का, क्या कह रहा है, अतः प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग में एक सप्लाई का करंट रहता है और दूसरा प्लाज्मा का। समझ गए हमें। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं सब मर्ज आर्क बिल्डिंग। सब मर्ज मतलब डूबा हुआ आर्क बिल्डिंग। इसमें दिखा दिए हैं इसका जो इलेक्ट्रोड है वो फ्लक्स में डूबा हुआ है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स में डूबा हुआ है। सब मर्ज आर्क बिल्डिंग में यही है, इसमें इलेक्ट्रोड फ्लक्स के अंदर डूबा रहता है, जिससे चिंगारी आर्क जो है बाहर नहीं निकलता है, यही सब मर्ज आर्क बिल्डिंग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेडिएशन इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग। रेडिएशन इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, इसमें आता है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म जान लेते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो है लेजर एक तरफ से इनपुट लेता है इलेक्ट्रिक, बाहर लाइट में आउटपुट देता है, आउटपुट इलेक्ट्रिक लेता है लेजर, बाहर लाइट प्रकाश में ये आउटपुट देता है। जैसे हम लेजर दिखा दिए हैं, लेजर का आर्क क्या है, ऐसे लेजर है, ये सप्लाई इसमें दे रहे हैं ट्रांसमिशन माध्यम से और ये जाके यहाँ पर ये जो
लाइट कंट्रोल ग्रिड है ये, लाइट कंट्रोल ग्रिड है ये, यहाँ ग्रिड है और ये जो जॉब है भाईकंप में निर्वात में रखा हुआ है, और ये जब इलेक्ट्रिक देते हैं तो जाके ये लेजर बिल्डिंग होता है। इसमें प्राय पतले जॉब का बिल्डिंग किया जाता है, लेजर से मोटा जॉब का बिल्डिंग नहीं होगा, इसमें पतले जॉब का ही बिल्डिंग होगा। इसमें जॉब को भयकम निर्वात में रखा जाता है, ये यहाँ हवा की मात्रा दम नहीं होगा, यहाँ निर्वात में जॉब को रखा जाएगा। ये जो है फॉक्सिंग कॉयल है, फॉक्सिंग कॉयल, फॉक्सिंग कॉयल, ये फॉक्सिंग कॉयल है, ये लाइट कंट्रोल ग्रिड है, यहाँ लेजर यहाँ है, ये सप्लाई दे रहा है, और जॉब देखिए कहाँ है, भयकम निर्वात में रखा हुआ है, इसे रेडिएशन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में लेजर से वेल्डिंग किया जाता है। इस तरह दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वेल्डिंग के जो कुछ भाग बचे हुए थे परमानेंट पार्शलिंग के वो आपको बता दिए, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कंफर्म करने के लिए एक बार दोबारा वीडियो देख लें, और देखते हुए वीडियो को रोक रोक कर पॉइंट को नोट करें और कंफर्म करें। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन के बारे में, गियर जो होता है, चैन, थ्रेड, रोप, बेल्ट, पुली, किसके किसके माध्यम से ट्रांसमिशन किया जाता है। इस तरह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और कॉमेंट करें। धन्यवाद।